हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विद आफ्ताब। और आज मैं बनाने वाला हूँ एक स्टिल लाइफ पेंटिंग विद वाटर कलर। तो चलिए मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ मैं जो बनाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, इसे मैं वाटर कलर के साथ बनाऊँगा। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप वाटर कलर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इसके लिए मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो कार्टेज शीट है 240 GSM का। आप ये किसी भी लोकल आर्ट मटेरियल शॉप से बाई कर सकते हैं। ये वाटर कलर प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा पेपर होता है। एंड मैं ब्रश जो यूज कर रहा हूँ वो ब्रुस्टो का मूव ब्रश है। एंड कुछ पॉइंटेड ब्रश यूज करूँगा। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ब्रश यूज कर सकते हैं। कलर यूज करने वाला वो आर्टिस्ट वाटर कलर है। और ये मेरा स्प्रे बॉटल है। एंड ये मेरा पैलेट, मैंने पहले से कुछ कलर्स निकाले हैं। और ये मास्किंग टेप। अगर आप पेपर पे पेंटिंग करते हैं तो मास्किंग टेप का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आपको एक अच्छा पेंटिंग बनाने में बहुत हेल्प करता है। इसको यूज करने के दो फायदे होते हैं कि फर्स्ट थिंग ये कि जब आप इसे पेपर पे चिपकाते हैं और इस पर वाटर अप्लाई करते हैं या किसी भी मीडियम को अप्लाई करते हैं, तो ये पेपर को सिकुड़ने नहीं देता और फिर आप एक अच्छा पेंटिंग बना पाते हैं। एंड सेकंड थिंग ये कि जब पेंटिंग बनने के बाद इसे आप रिमूव करते हैं तो पेंटिंग का जो लुक आता है वो बहुत ही क्लीन लुक आता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये मेरा आर्ट चैनल है। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये मैंने पेपर बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है, आप देख सकते हैं। और पेपर मेरा बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। मास्किंग टेप के साथ आप पेपर जितना अच्छा चिपकाएंगे आपको पेंटिंग करने में उतना मज़ा आएगा और आप उतना अच्छा पेंटिंग बना पाएंगे। एंड ये मेरा वाटर कंटेनर है जो मैंने एक छोटा सा लिया है और इसे मैं बनाने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो कंपोजिशन है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका बैकग्राउंड एंड जो लाइट एंड शेड का इफेक्ट है वो। तो वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपको, और ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप वाटर कलर करना चाहते हैं तो पहले आप स्टिल लाइफ करें, तभी आप अपना वाटर कलर को इम्प्रूव कर पाएंगे और फिर आप कोई बड़े थीम पे, बड़े सब्जेक्ट पे पेंटिंग बना पाएंगे। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली बड़े सब्जेक्ट पे काम करते हैं तो वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपका वो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं मिस हो जाता है एंड लाइट एंड शेड मिस हो जाता है, तो वो पेंटिंग वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बनाने हैं और पहले स्टिल लाइफ पे काम करना है, फिर तभी आप एक अच्छा पेंटिंग, बड़े पेंटिंग पर काम कर पाएंगे, अच्छे सब्जेक्ट पे काम कर पाएंगे। तो चलिए मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। पहले और ड्राइंग के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज करूँगा जो 0.5 mm का है। तो सबसे पहले ड्राइंग में मुझे एक लाइन के साथ पेपर को 1/3 में डिवाइड करना है। इससे आपको ये दिखाना है कि फ्लावर पॉट आपका किस चीज़ में रखा हुआ है, चाहे वो टेबल हो या वो किसी चीज़ पे रखा हुआ है, तो आप एक लाइन के साथ उसे दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने एक सीधा लाइन खींचना है और देन उसे हाफ हाफ करके दोनों साइड से ड्राइंग बनाना है। तो ये देख सकते हैं मैंने एक लाइन खींचा है और बिल्कुल लाइटली ड्राइंग कर रहा हूँ। और लाइन के जस्ट लेफ्ट साइड हाफ एंड राइट साइड हाफ करके मैं बना रहा हूँ। इससे आपका ड्राइंग बिल्कुल परफेक्ट बनता है और एक ड्राइंग करेक्ट बनाने का ये सिंपल सा बहुत ही अच्छा तरीका है। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं।
तो ये लगभग ड्राइंग मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब मुझे ये दिखाना है कि मुझे सनलाइट्स किधर से दिखाने हैं। तो सनलाइट्स मेरा राइट साइड का होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जो वो येलो कलर यूज करूँगा। फ्लावर पॉट को मुझे ग्रीन बनाना है, तो उसके लिए मैं ब्लू के साथ सैप ग्रीन मिक्स कर रहा हूँ, एंड फिर इसे फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा सनलाइट्स मैंने राइट साइड से दिखाया, कलर इधर बिल्कुल मैं लाइट करूँगा। सनलाइट्स का जो इफेक्ट है वो लीव्स वगैरह में भी आएगा, तो लेफ्ट साइड मुझे लीव्स को डार्क करना है एंड राइट साइड लाइट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट वास जो दिया है लाइट कलर का, वो राइट साइड पूरे ड्राइंग पर मैंने येलो कलर का वास दिया है। और मैं जितना सनलाइट्स की तरफ आऊँगा मैं उतना लाइट करता जाऊँगा। तो देख सकते हैं कि मेरा ड्राइंग में फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो लग चुका है, और अब मुझे सेकंड लेयर लगाना है। तो जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए, जहाँ पे मुझे शैडो दिखाना है, उसके लिए मैं सेम कलर के साथ थोड़ा डार्क कलर को ही मिक्स करूँगा, लेकिन ब्लैक मिक्स नहीं करूँगा। उसके लिए आप ब्रंट से आना या ब्लू मिक्स करके डार्क कलर बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैं शैडो वाला कलर अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये क्लियर दिख रहा है कि सनलाइट जो है वो राइट साइड का है एंड लेफ्ट साइड मेरा शैडो आ रहा है। और अब मुझे बैकग्राउंड बनाना है, तो बैकग्राउंड के लिए आपको फ्लैट ब्रश का यूज करना है, एंड कलर मिक्सिंग के लिए आप वेट एंड वेट काम करें। अगर आपका कलर सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, तो फिर आप कलर अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे। तो आप बैकग्राउंड के लिए या किसी भी स्ट्रोक के लिए अगर कलर मिक्सिंग चाहते हैं करना, तो वेट एंड वेट काम करें। ये आप देख सकते हैं। और अब मुझे लीव्स के नीचे वाले हिस्सों पर थोड़ा डार्क कलर चाहिए, तो उसके लिए मैं सेप ग्रीन के साथ ब्रंटशियाना मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि लिप्स के नीचे वाले हिस्से पर सनलाइट नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे वो डार्क दिखाना है। और आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतना लाइट करते जाएं। और डिटेलिंग के लिए आप पॉइंटेड ब्रश यूज कर सकते हैं। और अब मुझे फ्लावर पॉट के जस्ट नीचे शैडो चाहिए, तो उसके लिए मैं कोबाल्ट ब्लू के साथ थोड़ा पेंसिल लें मिक्स किया हूँ, और थोड़ा डार्क करके मुझे अप्लाई करना है। ये देख सकते हैं। आप कभी भी छोटे छोटे स्ट्रोक ना लगाएं, अगर आप छोटे छोटे स्ट्रोक लगाते हैं तो आपका ब्रश का उसमें दाग आ जाता है और वो ट्रांसपेरेंसी मिस हो जाता है। तो पेंटिंग मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और मैं कुछ थोड़े थोड़े डिटेल्स कर रहा हूँ।
और इसके बाद मैं मास्किंग टेप को रिमूव कर दूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ब्यूटीफुल सा क्लीन लुक आ रहा है पेंटिंग का। तो ये देख सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।